बढ़ते आगे, खबर बिलासपुर से है। जो नाथालय के घटना पर न्यायमूर्ति गौतम बाधूड़ी ने संज्ञान लिया है। कांकेर विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश भी जारी किए गए हैं। तत्काल कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बाल गृह, दत्तक ग्रहण गृह के निरीक्षण के भी निर्देश दिए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को निरीक्षण के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। दरअसल अनाथालय में कल मारपीट की घटना सामने आई थी, जिसके बाद लगातार सियासत भी देखी गई थी। लेकिन इसी बीच न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। कांकेर विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये देखिए तस्वीरें, कल की तस्वीरें हैं। ये दत्तक ग्रहण केंद्र की तस्वीरें हैं, जहां संस्थान की प्रोग्राम मैनेजर ने मासूमों के साथ मारपीट की थी, लेकिन अब बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। बिलासपुर से मेरे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, नाथालय की घटना पर अब कुछ मामले यहां पर क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, दत्तक ग्रहण केंद्र की घटना को लेकर के जो गौतम भादुड़ी हैं, जो कि हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने संज्ञान लिया है। प्रदेश भर में सभी बाल गृह और बच्चों के आश्रम हैं, उनका निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। साथ ही जो वहां के सचिव हैं, उनको भी निर्देश दिया है कि वो सभी जगह का निरीक्षण करें और जो भी दोषी हों उन पर कार्रवाई की जाए। यदि किसी इस मामले में कोई FIR होती है तो उसकी भी जानकारी मंगाई गई है। जी, लगातार कार्रवाई की बात यहाँ पर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र।